सो गाइस आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Vivo V15 Pro की। बड़ा कमाल का मोबाइल है। देखिए साइड में Vivo लिखा हुआ है, नीचे Vivo V15 Pro लिखा हुआ है और यहाँ भी Vivo, यहाँ पे V15 Pro आप देखते हैं। बॉक्स कुछ ऐसा है देखने में। तो फटाफट से यार मैं ओपन कर लेता हूँ, हर जगह Vivo है तो फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। पूरा पैक्ड भाई, हो जा ओपन और हो जा भाई। और ये बड़ा कमाल का मोबाइल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का रियल कैमरा देखने को मिलने वाला है और जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का होगा। आप सोच सकते हैं 32 मेगापिक्सल। तो यहाँ पर बॉक्स मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फ़ोन अपना। इसको बड़ा अच्छा है लेकिन इतने बड़े बॉक्स में छोटा फ़ोन भाई, क्योंकि बॉक्स बहुत बड़ा दे रखा है वीवो वाले ने, लेकिन यहाँ पर फ़ोन काफ़ी छोटा है अभी देखने में। दे आप भी देखते कितना छोटा लग रहा है साइड में। और इसको मैं रखता हूँ एक साइड पेपर वर्क और ये बॉक्स आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक चार्जर, एक USB टाइप डाटा केबल है इस बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर ये देखते हैं ये बॉक्स और ये हमारा फ़ोन रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर आप लोगों को और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले हैं वीवो की तरफ से। और वीवो भाई बहुत कमाल का फ़ोन लेके आया अब की बार। ट्रिपल कैमरा 48+12+5 मेगापिक्सल, पता नहीं क्या क्या कैमरों के साथ, तो पता नहीं क्या क्या करने वाली कंपनी। इसको मैं जरा कवर से निकाल लेता हूं और ये देखिए किस प्रकार शाइनिंग मारा इसका बैक लुक ना, जो व्हाइट प्लस ब्लू का मिक्सर बनाया गया एकदम से जबरदस्त लग रहा है बैक में वीवो। ट्रिपल कैमरा साइड में, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और भाई 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। सेल्फी का बाप है ये फ़ोन, तो भाई मज़ा आ जाएगा। वैसे ही सेल्फी के लिए होते हैं वीवो ओप्पो के मोबाइल, तो वीवो का भी ऐसा ही है। और वीवो V15 Pro जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो लॉन्च होने के बाद भी आप लोगों को बढ़िया से मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखते हैं कैमरा स्लाइडिंग वाला है, ऊपर की ओर अपने आप निकल जाता है, तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई ये जो फ़ोन है, बड़ा ज़बरदस्त है एकदम से, मज़ा आने वाला मोबाइल के साथ। देख सकते हैं आप कैसे काम करता है इसका स्लाइडिंग कैमरा फीचर। सो गाइस बस आज इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बस आज इस वीडियो में इतना ही।